हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखिए वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट और एक स्विच और एक इंडिकेटर और एक ट्यूबे को कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसका पूरा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो को, जरूर एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो ये है फ्रंट साइड, मैं बैक साइड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं ये जो 3 टर्मिनल है इस 5 पिन सॉकेट के, इनके बारे में पहले बता देता हूँ। तो इनको, ये जो सबसे बड़ा वाला टर्मिनल है, इसको हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो वाला, ये जो टर्मिनल है, इसमें एल जो लिखा होता है, ये लाइन होता है, इसमें हम फेस देते हैं। और ये जो होता है, एक जो टर्मिनल बचता है एम, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, इसमें न्यूट्रल दी जाती है, ठीक है। और स्विच में एक फेस, एक आउट होता है, एक इन आउट होता है, सॉरी, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। और वैसे ही इसमें भी, इंडिकेटर में भी एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, और इस सॉकेट में भी ऐसा ही है, एक फेस है और एक न्यूट्रल है, और ट्यूबे में भी ऐसा ही है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सॉकेट को स्विच के साथ जोड़ें। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इस 5 पिन सॉकेट को इसके साथ जोड़ के, ठीक है, इस स्विच के साथ। तो इसके लिए मैं रेड कलर की एक वायर ले लेता हूं। तो कुछ इस तरीके से वायर ली मैंने। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन है, ठीक है, मतलब ये जो फेस है, ऐसे तो इस पर एल लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है, ये हम इस ऊपर वाले टर्मिनल में देंगे स्विच के, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ कि
गाइस मैंने मेन वायर भी लगा दी है, अब मैं टेस्टिंग के लिए मेन बोर्ड लेके आता हूँ, उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं मेन बोर्ड लेके आ गया हूँ, तो अब मैं इस वायर को लगा देता हूँ और मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर चल रहा है, तो इंडिकेटर चल रहा है। अब मैं इन दोनों सॉकेट को आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि बल्ब चल रहा है। अब जैसे मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये ऑफ भी हो जा रहा है, टू वे स्विच, आप देख सकते हैं। अब दूसरे वाली सॉकेट भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि दूसरी वाली सॉकेट का कनेक्शन भी बिल्कुल सही हुआ है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं इन इस बोर्ड में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।